हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले बायोलॉजी क्लास में हम ग्रामीण की बात कर रहे थे। ग्रामीण क्या है, ग्रामीण समझ गए होंगे कि पादप प्रजनन क्रियाएं चल रही थी। पादप प्रजनन क्रियाओं के अंदर पहला बिंदु था आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना, उसी का बिंदु है ग्रामीण और उसी का बिंदु है जिसकी बात करने जा रहे हैं, जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या है? जनन द्रव्य किसी फसल या उससे संबंधित जातियों में पाए जाने वाले सभी जीनों को फसल का जर्म प्लाज्म या जर्म द्रव्य कहा जाता है। अर्थात जर्म प्लाज्म आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने का मुख्य बिंदु है। यदि नई या उन्नत पादप किस्म का विकास करना चाहते हैं तो एक उपयोगी जर्म प्लाज्म का होना आवश्यक है। जर्म प्लाज्म वह सामग्री है जिसके द्वारा उन्नत किस्मों का विकास किया जा सकता है। जर्म प्लाज्म के कुछ बिंदु हैं। देसी किस्म वह किस्म होती है जो खेती में उगाई जा रही है, जिसमें अनेक प्रकार के उपयोगी जीन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से प्राचीन अप्रचलित किस्म की वह किस्म जो पहले खेती में उगाने के लिए उपयोग में लाई जाती थी, जिसका विकास होता है जो पादप प्रजनन के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उनका विकास किया गया है, उन्हें एक प्रकार से प्राचीन अप्रचलित किस्म कहा जाता है। जो अप्रचलित है, जिनका पहले उपयोग किया जाता था लेकिन एक प्रकार से वो प्राचीन अप्रचलित किस्म है, खेती के उपयोग में आ रही किस्में हैं जिनका उपयोग खेती में उगाने के लिए किया जा रहा है। अर्थात उत्पादन गुणवत्ता की दृष्टि से क्या है, श्रेष्ठ है। कृषि जर्म प्लाज्म यानी खेतों में उगाई जाने वाली प्रजातियां, उन्हें कृषि जर्म प्लाज्म कहा जाता है। जंगली जर्म प्लाज्म क्या है, अर्थात जंगल में उगाई जाने वाली प्रजातियां। देशी जर्म प्लाज्म होता है, विदेशी जर्म प्लाज्म। अपने देश में उत्पन्न जर्म प्लाज्म को देशी जर्म प्लाज्म बोलते हैं और अन्य देशों में उत्पन्न जर्म प्लाज्म होता है उसे क्या कहा जाता है, विदेशी जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म समझ चुके होंगे आप कि जर्म प्लाज्म क्या है, कि जर्म प्लाज्म वह सामग्री है जिसके द्वारा उन्नत किस्मों का विकास किया जा सकता है। अर्थात एक उन्नत किस्म विकास के लिए एक उपयोगी जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य का होना आवश्यक है। अर्थात जर्म प्लाज्म वह सामग्री है जिसके द्वारा उन्नत किस्मों का विकास किया जा सकता है। जो भी आपको बताया गया था कि जर्म प्लाज्म के कुछ बिंदु है, देसी किस्म, प्राचीन अप्रचलित किस्म और खेती के उपयोग में आ रही किस्में हैं और इसके लिए कृषि जर्म प्लाज्म है, और दूसरा जंगली जर्म प्लाज्म यानी जंगली प्रजातियों में, नाम से मालूम कि जंगली जर्म प्लाज्म क्या है कि जंगली प्रजातियां होती हैं उनके अंदर पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ या सभी जीनों को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, जंगली जर्म प्लाज्म बोलेंगे। अर्थात जंगल में पाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं, खेती में उगाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं उन्हें कृषि जर्म प्लाज्म बोलेंगे। जंगल में पाई जाने वाली जातियां होती हैं उन्हें जंगली जर्म प्लाज्म बोलेंगे उनके जीनों को। अर्थात देशी देश में उत्पन्न और विदेशी अन्य देशों में उत्पन्न। तो ये अपने आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने का बिंदु क्या था, जर्म प्लाज्म। और इससे आगे और भी बिंदु हैं जिनका अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।